Good morning everyone, welcome back to my new vlog. How are you all? I hope you all are doing great. So आज है 7 जुलाई, आज है गुरु जी का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे गुरु जी. आज का दिन मतलब सुबह से उठी हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. होपफुली आज कुछ अच्छा सुनने को मिले दिन में. एंड ये जो इतने लोग भी गुरु जी को मानते हैं, आप सबको भी उनके जन्मदिन की मुबारकें. मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल, आज भी मेरी ड्यूटी है. अभी 8:15 हो रही है, मैं जल्दी से पहले निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ मैं. बैग बस पैक करना है, मम्मी ने लंच बना दिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है मैंने, तो जल्दी से मैं पहले निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए. मैं आ चुकी हूँ घर वापस, आपको अभी मैं सारा अपडेट देती हूँ हॉस्पिटल का. बट आई थी एंड मम्मी यहाँ पे गुरु जी को समोसा एंड चाय का भोग लगा रहे हैं. और जैसा आप लोगों को पता है, आज गुरु जी का बर्थडे है. और ये रे मम्मी, मम्मी हेलो बोल दो, तो दिन बाद दिख मिल रहे हो. हाँ, तो ये सबसे पहले गुरु जी को समोसे का भोग लगाया है. अब थोड़ी देर रख दो मम्मी, है ना? हाँ, अच्छे से खा लो, पी लो गुरु जी, आज तो आपका बर्थडे है, पार्टी मनाओ. और मामा को जल्दी से ठीक करके घर वापस भेजो. अभी मैं आई हूँ घर एंड मुझे रिसीव हुआ है ये पार्सल. पार्सल में क्या है मुझे पता है, इसमें है एयरपोर्ट होपअप ब्रांड से, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसे जल्दी से. पार्सल में रिसीव हुआ है मुझे ये स्पार्क ब्लूटूथ नेक बैंड. ये ऐसा है कुछ, इसको आप गले में हैंग कर सकते हैं, एंड इसकी ये एयरबड. एंड ये रिसीव हुआ है मुझे होपअप का, ये छोटा सा क्यूट सा एयरपोर्ट है. मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ. ये मुझे रिसीव हुआ है होपअप ब्रांड से. ये है एयरपोर्ट, बहुत ही स्टाइलिश केस है इसका, जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड कलर का. एंड इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो तो मुझे चेक करनी पड़ेगी. इनका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ. ये वाला जो है नेक बैंड है, इनका प्राइस कहाँ लिखा हुआ है मुझे एक बार देखना पड़ेगा. हाँ ये रहा, इसका प्राइस है 1400 रुपीज़. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1399. एंड ये जो मिनी एयरपोर्ट्स है, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस कहाँ है, मुझे इसका प्राइस नहीं मिल रहा. मैं आपको इसका प्राइस अभी देखकर बताती हूँ कि इसका प्राइस कितना है. मैंने पूरा बॉक्स देख लिया अच्छे से, इसका प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो मैं इसकी वेबसाइट से चेक करके आपको बताती हूँ. मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करती हूँ कैसा है. इस वाले बॉक्स में हमें डेटा केबल मिली हुई है इसके साथ ही, और ये एक्स्ट्रा एयरबड्स रखे हैं, एयरबड्स ही कहते हैं ये जिन्हें, तो ये हमें मिला हुआ है. मैं तो इतना यूज़ नहीं करती, मेरे पास अपने एयरपोर्ट्स हैं, तो ये मैं भाई को गिफ्ट करूँगी जैसे ही वो ऑफिस से आएगा. वो वैसे ही वेट कर रहा था इनका बहुत टाइम से ही, तो उसे दूँगी, वो खुश हो जाएगा इनको देख कर ना. मैंने अभी ये बलून्स ब्लो करे हैं, अब मैं थोड़ा गुरु जी के जो ये फोटो फ्रेम और जो एरिया है इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ. ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया बिकॉज आज मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, सो जितना टाइम मिल रहा है उतने में हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं. ठीक है गुरु जी. हाँ, मैंने 3 बलून लगा दिए, एक और वाइट वाला बलून था बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा और कहाँ पर लगाऊँ. आई गेस 3 काफ़ी है. पापा भी अभी जस्ट आए हैं, फ्रेशनअप हो रहे हैं. पापा हमारे लिए लाए हैं पिज्ज़ा. एक्चुअली काकू की भी हमने बर्थडे पार्टी रह गई थी, आप सबको पता ही है. ये है केक, हमने गुरुजी के बर्थडे का केक लिया है. ये केक आज स्पेशली बने थे, बहुत ही सुंदर केक लग रहा है दिखने में, बहुत ही प्यारा है. ये हमने लिया है, हमारे यहाँ पे है ब्रदर्स बेकर्स की शॉप, बहुत फेमस है. केक बहुत ही प्रिटी है एंड हम ज़्यादा फैंसी केक नहीं लेते. लास्ट ईयर हमने ज़्यादा थोड़ा फैंसी केक ले लिया था, खाया ही नहीं गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा वो मीठा था. तो ये एकदम सुंदर सा हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी. मम्मी 17th बर्थडे है, 17th 70 हो गया ना. हाँ. 70 क्या बोल रहे थे, 70वां बर्थडे इनका, 17th बर्थडे है. अच्छा. हाँ 70 साल हो गए. खिला दो गुरुजी को. जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी. पापा आप तो हेलो कर दो, आप बिल्कुल नहीं दिखते ब्लॉग में.
अब रोज दिखना, सब बोल रहे हैं रोज दिखो। आज हमारी आपको पूरी फैमिली दिख रही है ना, खिला दो जल्दी। आज इनको जल्दी बुलाया गुरुजी के। हाँ आज जल्दी आया पापा। हाँ वाह गुरुजी, गुरुजी मामा को बस जल्दी जल्दी से ठीक करो और जल्दी मेरा भाई घर वापस। आज मम्मी मैंने मामा को बताया था क्या 7 जुलाई है गुरुजी का बर्थडे है। और वो जो स्वरूप नहीं रखा हुआ वो भी मैंने स्वरूप दिखाया था मामा को ना। हाँ मामा कह रहे ठीक है। पिज्जा तो नहीं खिलाना, रोटी खिलाएंगे। पिज्जा खाते हैं चलो, की तो हमने चलो पिज्जा भी खिला दो, खिला दो पिज्जा जो पापा लाए हैं। शंटी भी है, शंटी से लाया था। हाँ उनके पिज्जा बड़े टेस्टी है, बहुत ही टेम्पटिंग सा पिज्जा है। उनके पिज्जा बहुत ही टेस्टी होते हैं। पिज्जा पाजी के जितने भी विष्णु गार्डन में लोग हैं सबको पता होगा पिज्जा पाजी का, बहुत डिलीशियस इनके होते हैं। मम्मी खिला दो दो, बाकी और गेहूँ वगैरह बाद में डाल देंगे फिर ना। गुरुजी खाते हैं इटालियन वैसे? सब खाते हैं, सब खाते ना, हम तो पार्टी कर रहे हैं। हाँ मम्मी आप भी खा लो आवाज। आज मैं भी खा लूंगी। हाँ चलो गुरुजी आज पार्टी कर लो अपनी। आज पार्टी करो। कोल्ड ड्रिंक भी मम्मी? हाँ ले ठीक। कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, आज फुल पार्टी है गुरुजी की। गुरुजी को पिला दो। गुरुजी ने शाम को चाय समोसा भी। हाँ हमने आपको दिखाया था उनके समोसे फेवरेट होते हैं। हाँ। बस पी लिया पापा। हमने मम्मी पहले सोचा था ना ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। हाँ। पर आज मुझे जाना पड़ा था इसलिए ब्रेड पकौड़े रह गए। तो अब हम अपनी भी पार्टी कर लेते, गुरुजी की तो हो गई पार्टी। गुरुजी को खिलाते यहाँ चल रही है पार्टी। इतने अपना अपना पिज्जा खाना स्टार्ट कर दिया है। मेरा अभी पिज्जा पड़ा है, इसमें से भी काकू ले गई वैसे तो। मैं भी खा लेती हूँ जल्दी से गाइस। सो फाइनली बर्थडे पार्टी हो चुकी है। आज इतना ज़्यादा मतलब टम्मी फुल हो गया ना, हम लोगों ने डिनर ही नहीं किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आपकी मम्मी को डायबिटिक पेशेंट है, आपने उनके साथ केक वेक उन्हें खिलाया होगा, तो मम्मी ने सिर्फ इतना सा ही पीस खाया है सिर्फ टेस्ट के लिए। उसके अलावा मम्मी को हमने कुछ भी नहीं दिया। पिज्ज़ा मम्मी को कम पसंद है, बट सिर्फ मम्मी ने हाफ पिज्ज़ा खा लिया आज। और इसके बाद मम्मी ने डिनर ही किया। मेरे में हिम्मत और मेरे भाई में पापा में, हम तीनों ने ही डिनर नहीं करा। तो आज का तो डे अच्छा ही रहा। जैसे मैंने आज ब्लॉग की स्टार्ट करी थी कि मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है एंड आई होप कि सब चीज़ें अच्छी ही आज कुछ अच्छा सुनने को मिले। सो आई डोंट नो, मैंने आप लोगों के साथ मामा के बारे में ये बताया कि नहीं बताया। हाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मामा का वेंटिलेटर हट चुका है। टचवुड, वैसे वेंटिलेटर 2 दिन पहले ही हट गया था। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया बिकॉज डॉक्टर ने बोला था कि कुछ पेशेंट्स में मतलब मोस्टली कुछ होते हैं तो उन्हें दोबारा 48 आवर्स बाद जब वेंटिलेटर हटाते हैं तो 48 आवर्स बाद उन्हें दोबारा नीड पड़ जाती है। तो 48 आवर्स के लिए उन्होंने ऑब्जर्व करा था अच्छे से, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि पहले जब तक पूरी बात पक्की ना हो जाए तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो यस आज पूरे तरीके से हट चुका है, 48 आवर्स हो चुके हैं, ये तो अच्छी न्यूज़ है। सेकेंड, जैसे आप लोगों को पता है कि मामा 17 से ही एडमिट है और 18 जून से ही मामा वेंटिलेटर पे थे। तो वेंटिलेटर की जो पाइप होती है वो यूजली मुंह से मतलब लंग्स के अंदर दी जाती है, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते बिकॉज उससे थ्रोट का मतलब यहाँ पे कहते कुछ जख्म हो जाते हैं एंड इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहते हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो वो ठीक है, अगर जैसे मामा की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, ये जो नेक का हमारा ये मिड एरिया है ना, इधर से वो पाइप जो होती है वो यहाँ पे कुछ अपना जो भी उनका प्रोसीजर होता है वहाँ से पाइप अंदर लंग्स में देते हैं। तो उन्होंने हमसे करवाया था, वैसे टाइम टेकिंग प्रोसीजर है बट सेफेस्ट है। तो हमने कहा ठीक है, आज जो यहाँ पे उन्होंने कर रखा था वो भी हटा दिया। इस जो यहाँ पे लगा हुआ था इस वजह से मामा बोल नहीं पा रहे थे, हम मिलने जाते थे तो मामा बोल नहीं पा रहे थे, तो हमें टेंशन होती थी कि मामा अभी बोल क्यों नहीं पा रहे। तो डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि जब ये हट जाएगा यहाँ से तो ये आपके पेशेंट जो है बोल पाएंगे दोबारा। सो आज मैं गई, मैंने मामा से बात करी, तो मैंने कहा मामा पहचान रहे हो ना? मामा के लिए हाँ। मैंने कहा मैंने नाम बताओ? के लिए पूजा। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि मामा अब मतलब काफ़ी तो रिकवरी जोन में है। मैं अभी उन्हें HUD में तो शिफ्ट करने के लिए बोला ही गया, बट बेड ही नहीं है वहाँ पे। सो डॉक्टर्स बोल रहे थे मे भी शायद ये सीधा यहाँ से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मल वार्ड में तो जैसे अभी तो हमें वेटिंग एरिया में रुकना होता है, नॉर्मल वार्ड में तो कोई एक पेशेंट साथ में रुक ही सकता है। तो
मामा का भी अभी साइड से अच्छा ही लग रहा है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बिकॉज मामा का जो था इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम भी ये चाहते हैं कि मामा जब घर पर आए पूरे अच्छे से कंप्लीट जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही आए। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे, एंड आपसे आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे 2 बजे, एंड हम पूरा आपको डेली रूटीन दिखाएंगे घर का। एंड एक और आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि हम लाइव आएंगे, बट हो ही नहीं पाया था उसके बाद मामा के साथ ये सिचुएशन हो गई थी। तो आज हम 6 बजे लाइव, 6 बजे हम लाइव आए थे यूट्यूब चैनल पे ही। तो 6 बजे आप वेट कीजिए हमारा, मुझे भी मतलब मम्मी और मैं आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे, एंड तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।